एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव गोपाल भट्ट ने सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय पर नियुक्तियों में धांधली करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि गोपाल भट्ट ने चयन प्रक्रिया पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय में कई पदों में भर्तियां बिना दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन निकाले ही कर दिया गया। वहीं विश्वविद्यालय में कार्यरत लोगों ने अपने परिजनों और आरएसएस के लोगों को नियुक्ति देने का काम किया है। वहीं आपको बताते चलें कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने इन सभी आरोपों को निराधार बताया है और कहा है कि सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय की छवि धूमिल करने की साजिश की जा रही है। प्रभारी कुल सचिव डॉक्टर देवेंद्र सिंह बिष्ट ने कहा कि यूजीसी और सरकारी नियमों के तहत भर्तियां हुई हैं। वहीं विश्वविद्यालय की छवि धूमिल करने वाले लोगों पर सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय कमेटी विधिक राय लेकर कार्रवाई करेगी। डॉक्टर देवेंद्र सिंह बिष्ट ने कहा कि विश्वविद्यालय और परिसर स्तर पर निकाली गई भर्तियां नित अंत अस्थायी हैं। वहीं भर्ती कार्मिकों का कार्यकाल महज 6 महीने के लिए है। इन भर्तियों की विज्ञप्ति विश्वविद्यालय की वेबसाइट में निकाली गई है। विश्वविद्यालय की वेबसाइट पब्लिक डोमेन का पार्ट है, जबकि विश्वविद्यालय गठन के बाद कोई भी स्थायी नियुक्ति नहीं की गई है। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। सबसे पहले तो हम डिमांड करते हैं, जब से विश्वविद्यालय बना, जो यहाँ पर लगातार जो नियुक्तियाँ हो रही हो, चाहे किसी में भी, हम सबसे पहले तो चयन प्रक्रिया पे सवाल उठाते हैं। चयन प्रक्रिया में इनके द्वारा किसी भी राष्ट्रीय समाचार पत्र और किसी पोर्टल को नहीं दिया गया, तो उसमें अधिक से अधिक लोग प्रतिभाग नहीं कर पाए जो पात्र लोग थे हमारे शहर में या अन्य जगहों के। तो सबसे बड़ा हमारा चैलेंज ही वही है। और उसके बाद हमने इनसे सूचना ली और सूचना में इन्होंने कई तथ्य हमसे छुपाए। जो आरोप हमारे पर लगाए जा रहे हैं वो सीधा उससे ये लगता है कि विश्वविद्यालय की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे द्वारा जो नियुक्तियां विश्वविद्यालय स्तर पर या परिसर स्तर पर की गई हैं वो नितांत अस्थायी हैं, और जितनी भी अतिथि व्याख्याताओं की जो हमारे द्वारा भर्ती की गई है वो पूरे नियमानुसार की गई है। यूजीसी के नियमों का उसमें पूरा अनुपालन किया गया है।